Hello and welcome to an exciting episode of Common Sense, which is sponsored by Lakdata Events. मैं हूं आपके साथ रजत सिटी. आज हम वेप मॉल के कैप्शंस में आए हैं लोगों की कॉमन सेंस को चेक करने के लिए. जी हां, लोगों से हम कॉमन सेंस वाले सवाल पूछेंगे, पर आज के एपिसोड में काफ़ी कुछ स्पेशल भी होने वाला है, क्योंकि जो हमारे सवालों के सही जवाब देंगे उनको लकदाता इवेंट्स की तरफ से एक टिकट मिलने वाली है. एमी स्टेडियम में जो शो होने वाला है लकदाता इवेंट्स की तरफ से, उसकी एक टिकट लोगों को मिलने वाली है जो कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे. प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हम आपको दिखाएंगे हर बार की तरह हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट. जी हाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट को देख के आपकी नॉलेज जरूर बढ़ेगी, और जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आप हमें जरूर याद करेंगे. तो देखिए हमारा आज का ये इंटरेस्टिंग फैक्ट. दोस्तों, ये तो था हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि कभी भी कोई भी आंखें खोल के छींक नहीं सकता. उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आया होगा. करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की शुरुआत, जिसमें हम पहला सवाल लोगों से पूछेंगे. पहला सवाल जो हम लोगों से पूछने वाले हैं वो ये है कि 11,111 में कितने वन होते हैं. जी हाँ, 11,111 में कितने वन होते हैं, ये कॉमन सेंस वाला सवाल है. कैप्शंस में आए शॉपिंग करने वाले कुछ लोगों से हम ये सवाल पूछेंगे. तो आइए चलें. दोस्तों, इस वक्त हम वेव मॉल में लोगों की कॉमन सेंस को चेक कर रहे हैं. कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम बता दें आप. सर, माय नेम इज सिद्धार्थ. सर, कॉमन सेंस है आप में? ऑफ कोर्स है. कैसे पता कैसे चलता है कि कॉमन सेंस है? आप खुद ही वो कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? आप खुद ही अश्योर कर सकते हैं कि कॉमन सेंस है कि नहीं. क्या कर सकते हैं हम खुद? अश्योर. नहीं, अश्योर हम किसी को भी नहीं ना कर सकते. आप बताइए कि है आप में. हाँ, ऑफ कोर्स है. सवाल पूछूंगा कॉमन सेंस वाला. पूछ लीजिए. सर, बताइए 1111 रुपए में कितने वन होते हैं? 11,111 में कितने वन होते हैं? ये तो मैं आपको क्या बोलते हैं, पहले मुझे वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उसके. करो ना कैलकुलेशन, करो, हम वेट कर रहे हैं. सर, 4. कैसे? ओ अब सर, कॉमन सेंस कितनी कॉमन है आज के टाइम में? बहुत ज़्यादा है. कितनी ज़्यादा है? अब ये तो बता ही नहीं सकता. आप में है? मेरे में भी है. कितनी? ये अब आइडिया नहीं है कितनी है. पर इतना पता कि है. हाँ है. चलो, एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे कॉमन सेंस वाला. अगर आप उसका जवाब देते हो तो आपको एक टिकट मिलेगी लकदाता इवेंट की तरफ से, जो शो होने वाला है 27 दिसंबर को उसकी. सर, सवाल हमारा ये है कि 11,111 रुपये में 1111 में कितने वन होते हैं? कितने वन होते हैं? 4. कैसे? 11,111 में 6. कैसे? 4 होते हैं, 6 होते हैं. 6. कैसे बोल सकते हो? 11,002 प्लस करो ना तीनों को. 11,111 प्लस 11 कितने होते हैं? वो तो ऐसे तो आते हैं 6 ही होते हैं. कॉमन सेंस आप में? जी, थोड़ा बहुत. थोड़ा बहुत क्या होता है? नॉर्मली रख रो, थोड़ा सा तो है. थोड़ा सा है जी. कितना थोड़ा? हम मीटर तो नहीं है, कैसे बता सकते हैं? मीटर नहीं, मतलब ऐसे बता होता ना कि मेरे में इतनी कॉमन सेंस है. क्वेश्चंस के आंसर दे सकता हूँ. किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ. लेट्स सी क्या होता है आगे. कॉमन सेंस है? नो. नहीं है? नहीं, लोग तो बोलते हैं ना कि हम में कॉमन सेंस है. आप बोल रहे हो मेरे में है कॉमन सेंस. पहले आप बोल रहे थे नहीं है. कंफ्यूज पहले कंफ्यूज थे आप. मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी. हमारे साथ मजाक कर रहे हैं. हाँ, तो आप भी तो कैसे क्वेश्चंस पुट कर रहे हो ना आप. क्या कॉमन सेंस हमने पूछा था कि है कि नहीं. हाँ, वही ओके है. अच्छा, चलिए कॉमन सेंस वाला सवाल मैं आपसे पूछूंगा. 11,111 रुपए में कितने वन होते हैं? कितने वन होते हैं? वन. 11 है. हाँ, 5. कैसे 5 गिना दो? 11,111 में आप खुद ही, आप में कॉमन सेंस नहीं है क्या? मेरे तो है ना. फिर 5 कैसे होंगे?
आप खुद काउंट करो ना, देखो मैंने तो काउंट किया हुआ है ना, मैं काउंट करके आपको बता रहा हूँ कि 5 नहीं होते, कुछ और होते हैं। आप सोचो 11,000 1111 में कितने 1 होते हैं? 6 कैसे 3 हो गए, वो मतलब 111 चौथा 1111 पाँच में 11,111 समझ नहीं आया हमें भी, मेरे को खुद नहीं पता लगा क्या बोला मैं। चाहिए होंगे सर, बेन बोला तो भैया आप एक दूसरे की बात की मानो, अपना कॉमन सेंस लगाओ ना। सही होंगे सर, पक्की बात है, मान जाए आपकी बात। ठीक है सर, मान लो कम ज़्यादा नहीं हो सकते उससे। ठीक है सर, भैया ने बोला है तो कम ज़्यादा कहाँ होंगे, अगर भैया ने बोला तो 6 ही होंगे, 6 से कम ज़्यादा, 6 से कम नहीं होंगे। 11,111 में कितने 1 होते हैं? 5 कैसे 11,111 11 में 1100 ओ सॉरी 11,000 11,111 में आप मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो, भूल गया आपने कॉमन सेंस नहीं। मेरे में तो है, मैं आपको जवाब बताऊं, मेरे में तो बहुत है। 11,111 मेरे से आप बाद में पूछना, 11,111 में कितने 1 होते हैं? 11,000 ही होते हैं। कैसे 5? रीजन बता दो ना, कैसे होंगे 5? 11,000 आप मेरे लाइव कर रहे हो। नाम बताए सर अपना। मेरा नाम फरमान। कॉमन सेंस है? है सर, आजकल के टाइम में कहते हैं कॉमन सेंस कॉमन नहीं रही है, बहुत कॉमन रह चुकी है। आप में है? हाँ जी, मान जाए आपकी बात। सब में सवाल पूछूंगा सर, एक कॉमन सेंस वाला पूछ लीजिए सर। बताइए 11,111 में कितने 1 होते हैं? 11,111 में कितने 1 होते हैं? 5 कैसे? 1111 हाँ, कोई और मतलब कुछ नहीं हो सकता, और क्या होगा? 5 ही होंगे और कोई उसके अलावा कोई जवाब नहीं हो सकता, 0 भी होंगे ना उसमें। 11,111 ठीक है बिल्कुल 1111 5 1। नाम बताया सर अपना। संजीव। कॉमन सेंस है आप में? पता नहीं, आप टेस्ट करो। टेस्ट करें हम कैसे टेस्ट करें? आप बोलो कुछ पूछो, खुद आपको नहीं पता कि है कि मेरे में या नहीं है? होती तो है सब में कॉमन सेंस है, होती है ना, पर यूज़ नहीं करते ना सब। ये बात तो सही है। आप करते हो यूज़? कभी कभार कर लेते हैं। कभी कभार मतलब क्या, कोई जब त्यौहार होता है, दिन त्यौहार तब करते हैं? दिन त्यौहार जैसे आप आ जाए यूज़ कर लो कॉमन सेंस, आया थोड़ा दिमाग लगाएंगे। हम आए हैं तो आप यूज़ करोगे। एक सवाल पूछने वाला कॉमन सेंस का, 11,111 में कितने 1 होते हैं? 11,111 में कितने 1 होते हैं? 5 कैसे? कैसे ये तो लिख के बताऊंगा मैं, कैसे? लिख के कैसे बताओगे आप? पेन के साथ। चलो लिख के बता दो आप। पेन दे दो। ये 11,111 बना? ये बना 11,000 11,000 ये तो 11,111 बना। आप मानते हो आप में कॉमन सेंस है? हाँ कॉमन सेंस तो है। कॉमन सेंस के हिसाब से ही 5 होते हैं। हाँ 5 ही होते हैं। सोच लो। सोच लिया। अगर 5 नहीं निकले तो? तो मैं यहाँ से चले जाऊँगा। कहाँ चले जाओगे? बाहर। दरवाजे के बाहर। ये मेरा कॉमन सेंस कह रहा है। अच्छा, अगर 5 नहीं निकले तो आप दरवाजे के बाहर चले जाएंगे? बिल्कुल चले जाऊँगा। चलिए सर, चले जाइए फिर आप। ठीक है, चले जाते हैं। आप भी मानते हो सर 5 ही होंगे? यार देखो, 5 हो या 6 हो, मैटर करता है कि कॉमन सेंस कैसा होना चाहिए। देखो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर मैं 5 कह रहा हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस से 5 कह रहा हूँ। फिर कॉन्फिडेंस है, अगर 6 है तो 6 से कॉन्फिडेंस है। मेरे हिसाब से मैं 5 कह रहा हूँ तो 5 होने चाहिए, नहीं होंगे तो 6 होंगे तो ठीक है। कॉन्फिडेंस मतलब अगर गलत भी बोले तो वो भी सही है? हाँ, गलत ऐसा बोलो कि कॉन्फिडेंस से बोलो। 5 ही होते हैं, ये जवाब नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। 11,111 यही होता है। जब अगर मैं बोल रहा हूँ 5 नहीं है तब भी आप मेरी बात नहीं मानोगे ना? ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं, बोल रहे हैं 5 ही होते हैं, 5 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। बात करते हैं कुछ और। क्या
क्या था फिर से? 11,111 में कितने वन होते हैं? 11,111 में 5 ही होते हैं। तो ये साबित कर रहे हो आप लड़कियों में कितनी कॉमन सेंस होती है। हाँ, ओके। 5 नहीं होते, मैं आपको बोल रहा हूँ। 5 ही होते हैं। मैं बोल रहा हूँ नहीं होते, तब भी बात मानोगे? 5 ही होते हैं, होते ही 5 है। मेरी बात नहीं मानोगे? मेरे हिसाब से 5 ही होते हैं। आपके हिसाब से 5 होते हैं मतलब, पर ये सही जवाब नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ओके, फाइन। चलो इनके हिसाब से 5 होते हैं, मेरे, मैं तो इनको बोल रहा हूँ कि 5 नहीं होते, कुछ और होते हैं, बात नहीं मान रहे मेरी, कोई बात नहीं। चलो 11,000 मैंने इतनी देर में करोड़ों का हिसाब हो जाता है, आप 11,000 का नहीं कर पा रहे। तो मैंने आपको बता दिया आंसर 4 होते हैं। थोड़ा रीजन बताओ ना कैसे होते हैं। I'm confused. कैमरे पे बोल दो, नहीं बता पा रहा मैं। ओके ओके, कैमरे पे बोल दी। नहीं, कैमरे में नहीं बताऊंगा। कैमरे में आई कांट टेल यू इन फ्रंट ऑफ कैमरा। आपके हिसाब से कितने होंगे? 4। रीजन नहीं बताओगे आप? नहीं, रीजन। चलो इनके हिसाब से 4 होंगे पर ये रीजन नहीं बताएंगे, बात करते हैं कुछ और लोगों। 11,111 में, 11 में, 11,111 6 ही होते हैं। 6 होते हैं, गिना दो ना कौन से होते हैं। 11, ठीक है, 1100 तो 11, एक एक सब में आ गया ना। प्लस करके तीनों को क्या बनता है? वैल्यू पता करनी है जहाँ उनकी डिजिटल। टोटल कितने आते हैं, हम तीनों को ऐड करें तो कितने वन आते हैं? कितने वन आते हैं ऐसे आने में? तो 3 भी आते हैं। आने को 3 भी आते हैं तो 6 भी आते हैं। चलो ये तो बोल रहे हैं आने को 3 भी आते हैं, 6 भी आते हैं, बात करते हैं कुछ और लोगों से। ये पता नहीं भाई, 5 वन आएंगे तो ये 11,111 बन रहा है, अगर ऐसे ये तो लाख बन जाएगा फिर। वही है ना, सोचने वाली बात है, थोड़ा दिमाग लगाओ, जवाब दे दोगे। 11,111 कोई आइडिया नहीं, थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ ना। नहीं पता चल रहा, कैमरे में बोल दो, मेरे को नहीं पता चल रहा, सॉरी नहीं पता चल रहा। 11,111 में कितने वन होते हैं? 11,111 में, 11,000 में आ गया 2, 1100 में आ गया 1, सर 4। कैसे सर, अब कैसे बताऊं 11,111? अब कैसे बता सकते हैं? थोड़ा कैलकुलेशन करो ना, ये जवाब नहीं है यार। 11,000 में 2 आ गए तो 1100 में 1 आ गया। नहीं, 1100 में 2, 11,000 में 3, सर पता नहीं, अब रहन दो। सर सवाल है हमारा एक कि 11,111 में कितने वन होते हैं? असल में 11,111 नहीं होता, ये 12,111 होता है। ये कैसे बता आपको सर? तो कितने वन होंगे ये बता दो ना सर। वन तो इसमें होगा ही नहीं। वन ही नहीं होगा? नहीं होगा, ये एक वन होगा, 1,2,111। कितने टाइम्स वन आएगा? पहले एक वन, फिर 2, फिर 1,111 आ जाएगा, 12,111। कितने वन होंगे उसमें टोटल? उसमें 4 होंगे। पक्की बात है? 110%। ये कैसे आप साबित कर सकते हो, मतलब कि कॉमन सेंस है आप में? सर अगर खुद पे कॉन्फिडेंस हो तो बंदा कुछ भी कर सकता है। चलिए, हमें पहले शख्स मिल चुके हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि उनमें कॉमन सेंस है, और साथ ही ये जीत चुके हैं लग जाता है इवेंट की तरफ से एक टिकट। आप देख रहे हैं कॉमन सेंस विच इज स्पॉन्सर्ड बाई लकदाता इवेंट्स। दोस्तों कार्यक्रम के पहले भाग में हमने लोगों से एक आसान सा सवाल पूछा था कि 11,111 में कितने वन होते हैं, तो इसका जवाब जो है वो सवाल से भी आसान है, पर थोड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है कि 11,000 में जब हम 1100 प्लस करेंगे तो वो 12,100 बन जाएगा, और 12,111 टोटल अमाउंट होगी जो 4 वन होंगे उसमें। तो लोग जो हमारे सवालों को नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, वो कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं करते हैं, कर ही नहीं सकते वो कॉमन सेंस इस्तेमाल। चलते हैं कार्यक्रम के दूसरे भाग की तरफ। दूसरे भाग में हम एक और आसान सा सवाल लोगों से पूछेंगे कि दुनिया का पहला ट्रैफिक सिग्नल, जी हाँ दुनिया का पहला ट्रैफिक सिग्नल कहाँ पर लगा था। जी हाँ, ये कॉमन सेंस वाला सवाल है कि दुनिया का पहला ट्रैफिक सिग्नल कहाँ पर लगा था। चलते हैं, बात करते हैं कुछ और लोगों से और देखते हैं कितने लोगों में यहाँ पर कॉमन सेंस है। नाम बता दे अपना। सावरी ठाकुर। कॉमन सेंस है आप में? यस, ऑब्वियस है। कहते हैं लड़कियों में लड़कों से कम होती है कॉमन सेंस। गलत है, ज्यादा होती है। आप ये साबित कर सकते हो कि आप में ज्यादा कॉमन सेंस है? डेफिनेटली, थोड़ा बहुत। कॉमन सेंस वाला एक सवाल आपसे मैं पूछूंगा, अगर उसका जवाब आप दे देते हो आपको एक टिकट भी मिलेगी लगता था इवेंट की तरफ से। ओके, सवाल हमारा ये है कि दुनिया का पहला ट्रैफिक सिग्नल कहाँ पे लगा था? सॉरी, सोचो ना, मतलब कॉमन सेंस वाला सवाल है, कहाँ पे लगा? बोर्ड में।
दुनिया का पहला ट्रैफिक सिग्नल कहाँ पे लगा था? दुनिया का ट्रैफिक सिग्नल पहला पता है, सोचो ना, कॉमन सेंस वाला सवाल है, दुनिया का पहला ट्रैफिक सिग्नल कहाँ पे लगा था? गाड़ी चलाते हो? हाँ गाड़ी तो चलाते। ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हो? हाँ। कितनी बार रुकते हो? जहाँ जब रेड होती है तब रुकते हो? हाँ तब। कहाँ पे लगा था पहला दुनिया का ट्रैफिक सिग्नल, सोचो थोड़ा, बड़ी मशहूर जगह है। दिल्ली में लगा है। दिल्ली में लगा ट्रैफिक सिग्नल पता ना, गाड़ी चलाते हो गया। हाँ वो तो पता है ट्रैफिक सिग्नल का, बट ये नहीं पता कौन सी सिटी, कौन सी स्टेट, कौन सी कंट्री, कौन सी जगह पे लगा था सबसे पहले दुनिया में? दुनिया में? दुनिया में पता नहीं यार, हमारे जम्मू में भी पता कहाँ लगा था पहले। जम्मू में तो छोड़ो ना, दुनिया का पूछते हैं। दुनिया का पता नहीं यार, कोई आइडिया से तुक्का मार दो। मे बी दुबई। दुबई में क्यों लगा? दुबई अच्छी कंट्री है, काफ़ी टूरिस्ट प्लेस है वो, टूरिस्ट काफ़ी जाते हैं वहाँ पे। अमेरिका में तो नहीं लगा था? मे बी, मैं तो गया नहीं अमेरिका यार। है ना अमेरिका सबसे एडवांस्ड कंट्री है। हाँ वो तो है एडवांस्ड है, क्या पता हो भी सकता है। हरिद्वार में? हरिद्वार में क्यों लगा? ये मेरा कॉमन सेंस है। आपको क्या कहते हो? देखो जब भाई ने बता दिया हरिद्वार, मैं भी बता दूंगा हरिद्वार। हरिद्वार में क्यों लगा? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस है यार। अब जो दिमाग में जवाब आए एटलीस्ट ब्लैंक होने से अच्छा है कि बता दो। मतलब कहते हैं ना कि अमेरिका जो है, अमेरिका काफी एडवांस्ड कंट्री है, तो अमेरिका में नहीं लगा सकता? लगने तो वो इंडिया भी लग सकता है, मैं क्यों बार बोलूं। पहला कहाँ पे लगा? अंगद साहब बता दीजिए पहला कहाँ लगा था। पहला यार हरिद्वार में लगा था, उसके बाद लुधियाना में लगा था, उसके बाद कठुआ आगे लगा यार। ट्रैफिक सिग्नल? ट्रैफिक सिग्नल गाड़ी चलाते हो? जी सर। गाड़ी चलाते हो, देखते हैं ना ट्रैफिक सिग्नल क्या होता है। जी सर। दुनिया का पहला कहाँ पे लगा था? मेरे ख्याल में तो अमेरिका में लगा होगा। अमेरिका क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा वो जो डेवलपिंग कंट्री है वही है अमेरिका। कहते हैं आज के टाइम में मतलब कॉमन सेंस की कमी हो गई है लोगों में। आपको कैसे पता चला? सुनने में आया कहीं से। यार सुननी हुई बातों पे आप यकीन करते हो, देखी हुई बातों पे यकीन किया करो। आप में कॉमन सेंस दिख रही है आपकी क्या? नहीं दिखनी नहीं है, लेकिन इमेजिन तो कर सकते हो आप। मैं क्या इमेजिन करूँ कि आप मेरे शो में आए हो तो आप में कॉमन सेंस होगी? आप खुद सोच लो, कॉमन सेंस है बंदे में, होती नहीं है। अच्छा आप में है। हाँ सवाल पूछूंगा एक कॉमन सेंस वाला। हाँ जी पूछिए। सर बताइए दुनिया का पहला ट्रैफिक सिग्नल कहाँ पे लगा था? सर ये कौन सा कॉमन सेंस का सवाल है? कॉमन सेंस वाला ही सवाल है, थोड़ा सोचोगे जवाब दे दो। सर क्या बताएं अब ये। ट्रैफिक गाड़ी चलाते हो? ना ना बाइक चलाता हूँ। तो ट्रैफिक सिग्नल तो देखा होगा ना? हाँ हाँ ट्रैफिक सिग्नल देखा है। दुनिया का पहला ट्रैफिक सिग्नल कहाँ पे लगा? यार अब मैं पूरी दुनिया बाइक लेके थोड़ी ना घूमाऊँ। हाँ अमेरिका में लगा। दिल्ली में लगा था? अमेरिका में लगा। अमेरिका में लगा था पहले तो, अमेरिका में लगा था फिर उसके बाद दिल्ली में आया। हाँ इंडिया में तो बाद में आया, बाद में आया, पहले अमेरिका में आया बाद में इंडिया में। हाँ मान जाए आपकी बात। आप मानते हो कि इंडिया में लगा था हरिद्वार में? हाँ की बात। हाँ उसके बाद लुधियाना, फिर कठुआ में लगा। चलिए कह रहे सबसे पहला ट्रैफिक सिग्नल हरिद्वार में लगा था। फिर भी ऐसे तो ज़्यादा नॉलेज उन्हीं को होगी ना जो खुद ड्राइव करते हैं। ड्राइव नहीं करते? नहीं मैं खुद नहीं ड्राइव करती। देखा तो होगा ना ट्रैफिक सिग्नल? बट मुझे इस बारे में। बड़ी मशहूर जगह है, मतलब हर एक बंदे ने देखी होती कभी ना कभी। मुझे पता ही नहीं है तो मैं कैसे बोलूं। अमेरिका में कौन सी जगह पे? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में? जी सर। मान जाए आपकी बात। आप भी बोले कैलिफोर्निया में लगा होगा सबसे पहले। हाँ कैलिफोर्निया। क्यों? क्यों पता नहीं, थोड़ा सोचो ना, कहीं और लगा हो सकता है। हाँ भैया सही बोल रहे हैं। भैया तो सही बोल रहे हैं, आप अपना भी बताओ ना, अपना कॉमन सेंस भी लगाओ ना। क्या बोलूँ भैया, अपना कॉमन सेंस लगाओ, भैया का नहीं ना लगाओ। मेरा कॉमन सेंस है इतना यार, मेरा है इतना कॉमन सेंस, इतना ही। अमेरिका कैलिफोर्निया तक पहुंच रहा है? हाँ बस इतना ही है। और कितना दूर जाना, आप चांद तक जाएं? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में लगा था? हाँ हाँ न्यूयॉर्क। किसने बताया आपको? बताया नहीं, ऐसे ही मैंने अपना सेंस यूज किया। अच्छा आपने सेंस यूज करके बोला कि न्यूयॉर्क में लगा था पहला था। नाम बता दे सर अपना। सर सैम रॉकिंग सम्राट। रॉकिंग सम्राट? जी जी। सर कॉमन सेंस है आप में? बिल्कुल है सर। कैसे पता कैसे चलता है? सर चल जाता है बताते ही। मतलब कैसे, कोई वजह होती है ना पता चलने की? सर आईक्यू होता है ना एक, बस दिल से आवाज़ आती है। आपके दिल से आवाज़ आती है कि मेरे कॉमन सेंस है? नहीं सर वो बात नहीं है, मतलब जब आप कोई चीज़ पूछते हो ना फटाक से आवाज़ आ जाता है। फटाक से पता चलता है? मतलब फटाक से आवाज़ आती है, कॉमन सेंस है रॉकिंग सम्राट आप में। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक सवाल पूछूंगा आपसे। बिल्कुल। सर बताइए ट्रैफिक सिग्नल दुनिया में सबसे पहले कहाँ पे लगा था? सर मेरे ख्याल से चौक पे शायद। हैं? चौक पे। कौन से चौक पे? कोई भी चौक सर, किसी भी चौक हो सकता है, वेव मॉल का चौक हो सकता है, चाइना का चौक हो सकता है, दिल्ली का चौक हो सकता है,
चांदनी चौक का चौक हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है पर लगा चौक पे होगा। हाँ जी हाँ जी, ये पक्का बताओ? पक्का डेफिनेट। चलिए, इनको तो पता है कि ट्रैफिक सिग्नल सबसे पहले चौक पे लगा था। रोड पे ट्रैफिक सिग्नल? रोड पे। कौन सी रोड पे लगा था सर? ऑब्वियस है, हाईवे पे, चौक में। ट्रैफिक सिग्नल। ये आपने दिमाग लगाया? यस सर। कॉमन सेंस मतलब आप साबित कर रहे हो कि आप? ऑब्वियस है सर। ट्रैफिक सिग्नल नहीं, थोड़ा ऐसे मतलब कुछ बता दो ना, कहाँ पे लगा हो सकता है, आपने कहीं पढ़ा हो, कहीं पे सुना हो। ट्रैफिक सिग्नल पहला दुनिया का रोड पे, और कहाँ रोड पे? कौन सी रोड पे? कौन सी रोड पे? ऑब्वियसली हाईवे पे, हर रोड पे लगा होता है। जम्मू में तो बहुत देर के बाद लगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं कॉमन सेंस विच इज स्पॉन्सर्ड बाय लगदाता इवेंट्स। कार्यक्रम के दूसरे भाग में भी हमने लोगों से एक आसान सा सवाल पूछा था कि दुनिया में सबसे पहला ट्रैफिक सिग्नल कहाँ पे लगा था। जी हाँ, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, दुनिया का सबसे पहला ट्रैफिक सिग्नल किसी चौक में ही लगा होगा। लोग कभी अमेरिका का नाम ले रहे हैं, कभी दुबई का नाम ले रहे हैं, कुछ अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, पर इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। आसान सा जवाब था इसका कि दुनिया का पहला ट्रैफिक सिग्नल किसी चौक में ही लगा होगा। चलते हैं कार्यक्रम के तीसरे भाग की तरफ। तीसरे भाग में हम एक लोगों से टंग ट्विस्टर पूछेंगे। टंग ट्विस्टर लोगों को 5 बार बोलने के लिए बोलेंगे। जो हमारा टंग ट्विस्टर आज का है वो है शिफ्ट शिप स्लिप। जी हाँ, शिफ्ट शिप स्लिप हम लोगों को बोलेंगे 5 बार बोलने को। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कौन लोग ये हमारा टंग ट्विस्टर बोल पाते हैं। मैम, एक टंग ट्विस्टर बोलेंगे आप। ओके। आपने बोलना है शिफ्ट शिप स्लिप 5 बार। शिप स्लिप 5 बार बोला। ओके। शिफ्ट शिप स्लिप, शिफ्ट स्लिप, शिप। गलत हो गया। नाम बताइए सर अपना। सर मेरा नाम अमित। सर टंग ट्विस्टर बोलने के लिए बोलेंगे हम आपको, ये बोल पाएंगे आप? यस ऑफ कोर्स। लग रहा है आपको? ऑफ कोर्स सर। सर आपने बोलना है शिफ्ट शिप स्लिप 5 बार तेज। शिफ्ट शिप एंड स्लिप, शिफ्ट शिप एंड नहीं सर, शिफ्ट शिप स्लिप। ओके। शिफ्ट शिप स्लिप, शिफ्ट शिप स्लिप, शिफ्ट शिप शिप स्लिप 5 बार। शिफ्ट यार एक बार नहीं हो रहा है। ट्राई करो ना सर, ट्राई करना। शिफ्ट एंड देन स्लिप एंड व्हाट? शिफ्ट शिप स्लिप, शिफ्ट शिप स्लिप, शिफ्ट शिप शिप, शिफ्ट शिप शिप, शिफ्ट शिप स्लिप 5 बार। शिफ्ट स्लिप और शिप, शिफ्ट शिप स्लिप, शिफ्ट शिप स्लिप। शिप पता ना क्या होता है? हाँ बस। शिफ्ट शिप स्लिप 5 बार तेज। शिफ्ट शिप स्विफ्ट स्विफ्ट। कैमरे में बोल दो, मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा भाई। शिफ्ट शिप स्लिप, गलत हो गया। शिफ्ट स्लिप गलत हो गया। शिफ्ट शिप स्लिप, शिफ्ट शिप स्लिप, शिफ्ट शिप स्लिप, शिफ्ट शिफ्ट स्लिप, शिफ्ट शिप स्लिप 5 बार। शिफ्ट शिप स्लिप 5 बार बोला। शिप स्लिप, शिफ्ट शिप स्लिप, गलत हो गया। शिफ्ट शिप स्लिप, शिप गलत हो गया। सॉरी सर, इट्स ओके। नहीं बोल पा रहे? नो सर। कैमरे में बोल दो, मैं नहीं बोल पा रही। मैं नहीं बोल पा रही, सॉरी। शिफ्ट शिप स्लिप, शिफ्ट शिप स्लिप, शिफ्ट स्लिप स्लिप, गलत हो गया। चलो फिर से करते, क्या एक बार फिर? शिफ्ट शिप स्लिप आज तक बोल दो ना तुम। शिफ्ट शिप स्लिप, शिफ्ट शिप स्लिप, शिफ्ट शिप स्लिप, गलत हो गया। शिफ्ट शिप स्लिप, 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 बोल गए सर आप। तो आपको लगदाता इवेंट्स की तरफ से एक टिकट मिलने वाली है। जो बोहिमिया गिपी के वाला गुरदास मान जी आ रहे हैं, उन एक शो होने वाला है हमें स्टेडियम में, उसकी टिकट आपको मिलने वाली है फ्री में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लगदाता इवेंट्स की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ जुड़े हैं उनको कि वो हमारे विनर्स को टिकट दें। जी हाँ, टिकट इनको मिल चुकी है एमएस स्टेडियम में, जो 27 दिसंबर को प्रोग्राम होने वाला है जिसमें कई सारे बड़े स्टार्स आने वाले हैं। उस प्रोग्राम की इनको टिकट मिल चुकी है। अगर आप भी ये टिकट खरीदना चाहते हैं तो आपको बता दें जम्मू में 200 आउटलेट्स लगे हैं जहां पर इसकी टिकट्स आपको मिल सकती हैं। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा क्योंकि पहली बार जम्मू में इतना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है।
आज के कार्यक्रम में हमने आपको कई सारी चीजें दिखाई जिनमें कॉमन सेंस की कमी थी, वो भी हमने आपको दिखाया, और जिनमें कॉमन सेंस थी उनको लखदाता इवेंट्स की तरफ से गिफ्ट्स भी दिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, एंटरटेनमेंट हुआ होगा आपका हमारे आज के कार्यक्रम से, और आपने कॉमन सेंस यूज करनी शुरू कर दी होगी। ये कार्यक्रम आप हमारे फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/jkdigitalmedia। साथ ही इस कार्यक्रम के रिलेटेड कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर लोकेशंस बताना चाहते हैं जहां पे आप चाहते हैं कि हम ये कार्यक्रम आके करें, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8716964444। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कॉमन सेंस के साथ, तब तक के लिए मुझे यानी कि रजत सेठी को और कैमरामैन दीपक कुमार को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।